नमस्कार दोस्तों, हम अपने पॉलिटी के सेक्शन को आगे बढ़ाते हैं। और इससे पहले जो हमने डिस्कशन किया था इसमें, वो उसमें संवैधानिक विकास किए थे, भारत का संवैधानिक विकास। भारत के संवैधानिक विकास में हमने जैसे कंपनी शासन अधिनियम डिस्कशन किया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1784, पिट्स इंडिया एक्ट और मार्लेमेंटो, चार्टर एक्ट 33, 13 वाला 53 और 33, तीनों का डिस्कशन किए थे। उसके बाद भारत परिषद अधिनियम का भी डिस्कशन किए थे 1909, और भारत सरकार अधिनियम 1935, ये सब डिस्कशन कर चुके थे। आज हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हुए इसमें संविधान सभा के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो संविधान सभा एवं संविधान निर्माणिक प्रक्रिया, ठीक है। तो इसमें हम फ्लो चार्ट के माध्यम से डिस्कशन कर रहे हैं, तो बहुत शॉर्ट में, जैसे इसका गठन जो हुआ, कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा हुआ, संविधान सभा का जो गठन हुआ भारत के संविधान सभा का, तो उसमें कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा इसका गठन होता है। और भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा गठित संविधान सभा ने किया है। जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका निर्माण कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा हुआ था। ये जो है इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है किसके तहत जो है हमारा जो संविधान निर्माण हुआ था। और इसके प्रथम बैठक की बात अगर कर लें तो 9 दिसंबर 1946 को हुई। अस्थाई अध्यक्ष जो थे राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है। और ये पूछता है कौन अस्थाई था कौन अस्थाई था। और संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी, कुल अधिवेशन जो हुए 11 हुए, और संविधान अंगीकृत हुआ जो, ठीक है। ये पहले नंबर, तो अंतिम बैठक की अगर बात करें तो 24 जनवरी 1950, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को होती है। और संविधान जो अंगीकृत हुआ 26 नवंबर 1949 को। अब देखिए इसको, डेट को याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, फैक्ट के रूप में भी पूछ लेगा ये, एक उसी में पॉइंट दे देंगे। अगर मान लीजिए पीसीएस की बात करें तो उसमें 2 पॉइंट में 1 पॉइंट ये भी दे देंगे, तो पूछ लेंगे कि संविधान अंगीकृत हुआ 26 नवंबर 1949 को या फिर 26 नवंबर 1950 को, उसी में से आपको करना है। उसके बाद जो है प्रारूप समिति जो, रुके सॉरी, जो हमारी समितियां थी इसमें अध्यक्ष और समितियां, उसके बारे में डिस्कशन करें तो उसमें जो प्रारूप समिति बना था उसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे, ठीक। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो इसमें, देखिए प्रक्रिया अधिनियम, हम इसीलिए पूरा अच्छे से लिखते हैं इसको, प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे ये। और संचालन समिति ये पूछ लेता है, इसको याद रखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे प्रक्रिया नियम समिति के थे, संचालन समिति के थे। उसके बाद आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात करें हम तो संघ शक्ति समिति के थे, और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे ये दोनों के अध्यक्ष थे ये, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो है संघ शक्ति समिति के और संघीय संविधान समिति के थे। सरदार पटेल जी जो थे वो तीन थे, देखिए तीन चीजों के अध्यक्ष थे सरदार पटेल जी, प्रांतीय संविधान समिति, ठीक, मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक और जनजाति समिति के अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार समिति और अल्पसंख्यक और जनजाति समिति, इसको याद रखिएगा, पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़े, इसमें आपको एक बार फिर से जल्दी से बता देते हैं, प्रारूप समिति के थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी प्रक्रिया और नियम समिति के, संचालन समिति के थे, जवाहरलाल नेहरू जी संघ शक्ति समिति के थे, संघीय संविधान समिति के थे, और सरदार पटेल जी थे प्रांतीय, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक और जनजातीय समिति के थे। उसके बाद आता है कि चुनाव जो हुआ था संविधान सभा का, उसका परिणाम की बात कर लें, 296 कुल सीटें थी ब्रिटिश भारत में थी, ब्रिटिश भारत में मतलब कि उसमें पाकिस्तान भी इंक्लूड था। तो कांग्रेस 208, मुस्लिम लीग 73, अन्य 15, ठीक है। अब प्रारूप समिति, जहां से बार बार क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लें, तो इसका गठन 29 अगस्त 1947 को, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है। इसमें कुल सदस्य 7 थे, अध्यक्ष समेत थे,
अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। ठीक है, अब देखिये यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, एन गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक, अयंगर से याद रखिएगा। एक एक सदस्य थे अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है, दूसरा के एम मुंशी, तीसरे मोहम्मद सादुल्लाह, चौथे ठीक है बी एल मित्र, पांचवे देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा बी एल मित्र और डी पी खेतान छठवें। ठीक है, अब सातवें सोच रहे होंगे कौन है, तो बी आर अम्बेडकर जी थे, सातवें अध्यक्ष समेत की बात कर रहे थे। अब देखिए बी एल मित्र जो थे और डी पी खेतान, इन दोनों ये दोनों लोग को जब रिप्लेस किया गया बाद में, तो बी एल मित्र जी का जो स्थान लिए एन माधव राव ने लिया। और डी पी खेतान की बात करें अगर हम, डी पी खेतान जी का, तो उनके स्थान पर आए टी टी कृष्णाचारी। ठीक है, उसके बाद हम जो बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमें पढ़ना, तो सब लोग जानते हैं कि सब लोग बुक से भी पढ़ लेते, लेकिन ये वो क्वेश्चन है कि जो क्वेश्चन आते रहते हैं अक्सर अक्सर जो है एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो इसको एक पॉइंट फॉर्म में लिख दिया हूँ। आप सोच रहे होंगे वन लाइनर है, लेकिन ऐसा नहीं है, एक बार क्वेश्चन देखिएगा पूर्वावलोकन का, उसमें मिल जाएगा आपको सब, स्टेटमेंट फॉर्म में भी मिल जाएगा, तो मैंने वन लाइनर फॉर्म में कर दिया। संविधान सभा में प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। अब इसको याद रखिएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये अस्थाई थे। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्तावना प्रस्ताव पेश किया 13 दिसंबर 1946 को, संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था July-August 1946 में। अंतरिम सरकार का गठन किया गया 2 सितंबर 1946। अंतरिम सरकार का मतलब होता है कि कुछ समय के लिए होते हैं ये, ठीक है, जैसे अंतरिम बजट भी पेश होता है अभी भी, तो अंतरिम सरकार का गठन किया गया 2 सितंबर 1946 के लिए, 46 को। भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, यही हम कह रहे थे 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत हुआ था, इसको याद रखिए, इसीलिए अंगीकृत हुआ था संविधान का। और लागू कब से हुआ, 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा में कुल सदस्य थे 389। उसके बाद जो है कि संविधान सभा के जो सदस्य निर्वाचित किए गए थे प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के अनुपात में। और कैबिनेट मिशन की जो बात कर रहे थे हम, जो 1946 के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था, ठीक है, संविधान सभा का गठन हुआ था उसकी बात कर रहे थे, तो उसके जो सदस्य थे पैथिक लॉरेंस, स्टैनफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, ये किसका स्टेटमेंट है, ये ऐसा स्टेटमेंट, तो ग्रेनविल ऑस्टिन थे। प्रारूप समिति की गठन की बात जो हुई थी अभी हमने बताया, इससे पहले 29 अगस्त 1947 को हुआ था प्रारूप समिति का। और तदर्थ झंडा समिति, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, तो एक चैप्टर को मैंने पूरा डिस्कशन कर लिया, अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।